रामगढ़ चैम्बर के बैनर तले विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने और राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के रूट परिवर्तन के विरोध में रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 16 दिसंबर को बंद शांतिपूर्ण ढंग से आरंभ हो गया है। बंद को व्यवसायियों एवं आम लोगों का समर्थन मिलता दिख रहा है। बंदी को देखते हुए प्रातः 9 बजे से ही रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में बंद समर्थक सड़कों पर आ गए। बंद समर्थकों ने शहर में सुभाष चौक को पूरी तरह बंद करा रखा है। बंदी को लेकर रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने जिला के गोला, भुरकुंडा, गिद्दी, कुजू, सिरका, मांडू, रद्रप्पा सहित अन्य क्षेत्रों में सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। व्यापारी साथियों, प्रतिष्ठान के मालिकों, छोटे मझोले दुकानदारों एवं रामगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों ने रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रस्तावित बंदी में अपना समर्थन दिया। रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के द्वारा एक दिवसीय बंदी को रोटरी क्लब ऑफ रामगढ़, झारखंड एकता मंच, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच, झारखंड पेंशनर कल्याण समाज, श्री दिगंबर जैन समाज, रामगढ़ बचाव संघर्ष समिति, खुदरा खदानंद व्यवसायी संघ सहित कई सामाजिक संस्थानों का समर्थन दिया है। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद एवं अय्यूब की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 महीने से रामगढ़ जिला के अंदर बिजली की बेतहाशा कटौती की जा रही है। 8 से 10 घंटे बिजली की कटौती हो रही है और रामगढ़ जिला में हमारा सुविधा जो था रांची दिल्ली जाने के लिए राजधानी एक्सप्रेस, इसको भी हमसे छीन लिया गया है, जहां से छात्र छात्रों को, इलाजरत लोगों को जाने में सुविधा होती थी। जिसके विरोध में रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स रामगढ़ जिला के 50 से ऊपर सामाजिक संस्थानों और राजनीतिक दल के सहयोग से लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है और आज उसी के क्रम में हम लोगों ने आम जनता से अपील किया था आज रामगढ़ बंद रखने का। और आपने देखा है कि पूरे रामगढ़ में स्वतः स्फूर्त बंद है। हम लोगों ने अभी 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक की क्या स्थिति है? बिल्कुल 100% दुकान बंद है। ये आपके देखने की चीज़ है, आप देख सकते हैं। चौक पर देख लीजिए, कोई दुकान नहीं खुला है। चौक पर लोग आप दुकान बंद कर करके चौक पर लोगों का मजमा आपको बता देगा कि लोगों के अंदर में कितना आक्रोश है। रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वाधान में रामगढ़ जिला बंद का आह्वान किया गया था, जो कि बंद आज ऐतिहासिक और व्यापक बंद रहा। बंद के अंदर जोरदार असर देखा जा रहा है। रामगढ़ जिले के हर क्षेत्र से, भुरकुंडा, पतरातू, कुजू, गिद्दी, हर क्षेत्र से यही खबर आ रही है कि बंद को लोग जन समर्थन जम के दे रहे हैं। और यही सिर्फ व्यवसायी नहीं, हर तबका का समर्थन मिल रहा। हर कमेटी के लगभग 50 रामगढ़ में लगभग 50 संगठनों ने अपना समर्थन दिया है, जिसमें झारखंड सेवा समिति है, रामगढ़ बचाव संघर्ष समिति है, अंजुमन समिति है, व्यापारी संघ है और कई संगठन है जो कि हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है और लोग ऐसा नहीं, हम लोग और राजनीतिक दल की तरह रोड पर उतर के गाड़ी उड़ी रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। लोग स्वतः बंद कर रहे हैं और जन समर्थन साथ में लोग, हर लोगों की समस्या, बिजली की समस्या, जो राजधानी एक्सप्रेस हम लोग छीन लेंगे ये समस्या है, इसको लेकर लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है।